बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़े राज्य का एक शक्तिशाली महान राजा था। उसकी रानी बेहद सुंदर और उसे प्यार करने वाली थी। राजा रानी के पास बच्चों के अलावा जीवन की हर खुशी थी। वो प्रतिदिन औलाद की चाह में भगवान से प्रार्थना करते थे और अंततः भगवान ने उनकी सुन ली। उसके आशीर्वाद से एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। राजकुमारी के जन्म पर खूब धूमधाम से खुशियां मनाई गईं और एक भव्य भोज का आयोजन किया गया जिसमें परियों को भी बुलाया गया। जब भोज समाप्त हुआ तो परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्यवश शाही दंपति एक परी को आमंत्रित करना भूल गए जिससे वो मन ही मन चिंतित थे। इससे पहले कि छठी परी शहजादी को अपना आशीर्वाद देती, वो दुष्ट परी भोज स्थल पे आ धमकी। दुष्ट परी के श्राप के कारण शाही दंपति दुखी होकर रोने लगे। भाग्यवश छठी परी ने राजकुमारी को अब तक आशीर्वाद नहीं दिया था। यद्यपि छठी परी के आशीर्वाद से शाही दंपति को थोड़ी राहत मिली, फिर भी राजा ने शहजादी को बचाने के लिए मन में एक उपाय सोचा। अगर मेरे राज्य में ही चरखा नहीं होगा तो मेरी बच्ची की उंगली भी छेदने से बची रहेगी। ऐसा सोचकर राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सारे चरखे जला दिए जाएं। उसके सेवकों ने मुस्तैदी से उसके आदेश को पूरा किया। 16 वर्ष हंसी खुशी से बीत गए और शहजादी एक सुंदर युवती बन गई। उसके जन्मदिन की खुशी में दिए जाने वाले भोज की जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी। शहजादी अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती हुई महल की मीनार तक सीढ़ियां चढ़ती हुई जा पहुंची। कुत्ता सीढ़ियों पर सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और उसका पीछा करती शहजादी भी मीनार तक पहुँच गयी, जहाँ उसने एक बूढ़ी औरत को चरखा काटते देखा। उसे देखकर शहजादी हैरान रह गई। दरअसल वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वही दुष्ट परी थी जो अपना श्राप सच करने के लिए वहाँ बैठी थी। राजकुमारी चरखे के पास जाकर उसे देखने लगी। उत्सुकतावश उसने चरखे की तकली घुमाई और दूसरे ही पल वो फर्श पर तड़पती नजर आई। शहजादी को जमीन पर गिरा देख उसका कुत्ता नीचे भागा और राजा तथा रानी के आगे विलाप करता हुआ भौंकने लगा। जब रानी ने उसे पकड़ना चाहा तो वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। उसका पीछा करते हुए शाही दंपति ऊपर पहुँचे जहाँ राजा सो चुकी थी। वो ये जानकर बहुत दुखी हुए। इसके बाद वो दुष्ट परी फिर किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन अच्छी परी को शहजादी की हालत की जानकारी लेते सबने देखा, जो जानती थी कि भविष्य में शहजादी के साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने पूरा महल मंत्र द्वारा सुरक्षित कर दिया। बहुत से नौजवान राजकुमारी को देखने के लिए महल में आने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी अपनी गहरी नींद से कब जागेगी। कई नौजवानों ने अपने भाग्य की आजमाइश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सालों के बाद एक नौजवान राजकुमार वहाँ आया। वो बड़ा दयालु और साहसी था। उसने राजकुमारी को बचाने का निर्णय लिया। उस साहसी युवक ने अपने घोड़े की लगाम कसी और घोड़े को एड़ लगा दी। राह में आने वाले कटीले पेड़ों को वो अपनी तलवार से काटता चला गया। दुष्ट परी एक पारदर्शी जादूगर के मन को कुछ देख सकती थी। जब उसने देखा कि वो साहसी राजकुमार मीनार के दरवाजे तक पहुंचने वाला है तो वो चिंतित हो गई। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका श्राप टूट जाए और राजकुमारी जाग जाए। मीनार की छत पर राजकुमार को जाने से रोकने के लिए परी ने एक भयानक ड्रैगन राजकुमार से लड़ने के लिए भेजा। ड्रैगन अपने दूसरे आग के लंबे राजकुमार की तरफ फेंकने लगा, लेकिन एक साहसी नौजवान ने ड्रैगन के लिए एक खेल उसने अपनी ढाल से और तलवार के एक वार से ड्रैगन का काम तमाम कर दिया। ड्रैगन को मारने के बाद राजकुमार उस जगह पर पहुंचा
जहाँ राजकुमारी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका सुंदर चेहरा देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। उसने राजकुमारी के बाएं हाथ को चूमा। राजकुमार के मन में राजकुमारी के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। वो उससे शादी करने की सोचने लगा। उसी समय राजकुमारी उठ खड़ी हुई। उसे देखकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महल में रहने वाले सभी लोग जाग उठे। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से किया गया। राजा और रानी अपनी प्यारी राजकुमारी को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश हुए। इसी खुशी में जश्न मनाया गया, जिसमें सभी परियों को आमंत्रित किया गया।